देसी एंड सिंपल रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। आज हम बनाएंगे मराठी ठेचे से बना ऑमलेट। ये इजी ऑमलेट आपको कैसे लगा और ये ठेचा ऑमलेट आपको कैसे लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो मराठी ठेचा ऑमलेट बनाने के लिए हम लेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा हम भून लेंगे। अभी अपनी मिर्च भून चुकी है, हम थोड़ा डालेंगे लहसुन और थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ये जो मिर्च है मैंने मुझे जो ऑमलेट बनाना है उस हिसाब से ली है, आपको जितनी चाहिए जितने ऑमलेट बनाने हैं उस हिसाब से ली है। ये हम मराठी लोग ठेचा बड़ी पसंद से खाते हैं, इसलिए आज हम इसका ही ऑमलेट बनाएंगे। अब ये भून चुका है, हम इसे कूटेंगे, साइड में रखेंगे ठंडा होने के बाद कूटेंगे। अब ये मिर्च हम कूट लेंगे, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब लेंगे एक प्याज लेंगे छोटा सा, थोड़ा सा टमाटर लेंगे। अब ये कूटा हुआ ठेचा है ये भी डाल देंगे। अभी मैंने तीन अंडे लिए हैं, इसमें डाल देंगे। फिर हम इसे फेंट लेंगे, जो ठेचा ऑनियन है ना सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये मिक्स हो चुका है, नमक और मिर्च हमेशा अपने हिसाब से डालिए। ये मैंने मेरे लिए ऐसे डाली है, आप अपने हिसाब से डालें। अब हम इसे फ्राई करें। अभी थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये तेल डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और इजी ऑमलेट है। दो चार मिनट ढकने के बाद हम देखेंगे अंडा अपना हुआ है कि नहीं। अब इसे पलटी करेंगे हम। अब फिर से दो चार मिनट रखने के बाद देखेंगे, ये हमारा अंडा हो चुका है। अब गैस बंद करके अब हम प्लेट में डालेंगे हमारा मराठी ठेचा ऑमलेट। मराठी ठेचा ऑमलेट अब खाने के लिए तैयार है। मराठी ठेचा ऑमलेट रेडी। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।